हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं अपनी प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स थी मेरी, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैंने प्रेगनेंसी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब पहले वाले वीडियोस में आप देखोगे कि बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि मेरा पीरियड को 4 दिन बाकी है, क्या मैं चेक कर सकती हूँ? मेरा पीरियड को 5 दिन बाकी है, मैं चेक कर सकती हूँ? तो ये सारे क्वेश्चन लोगों के मन में घूमते हैं। कब घूमते हैं? जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो कि हाँ, आपको कंसीव करना है और आपका ओव्यूलेशन पीरियड का भी इंतज़ार करते हो, उसके बाद इम्प्लांटेशन का इंतज़ार करते हो, उसके बाद इंतज़ार करते हो कि काश मेरा डेट से पहले ही मुझे पता चल जाए। ऐसा हर कोई के मन में होती है ऐसी चीज़ें। तो जब मैंने ट्राई शुरू किया था तो मेरे भी मन में ऐसी चीज़ें थी। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी था IUI के थ्रू हुआ था और वो पॉजिटिव रिजल्ट था। मेरा ट्विंस बेबी, उसमें मैंने कंसीव किया था। तो ट्विंस बेबी को जब कंसीव किया तो उस समय मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो सबसे पहला मेरा सिम्टम्स था वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। लेकिन उस टाइम में मुझे ये पता नहीं था कि मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है, क्योंकि ये बात है 2015 की और उस समय मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। और मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी मतलब मेरे पीरियड के 26 डेज के बाद, मतलब 26 डेज पर मुझे, मेरा पीरियड सर्कल है 30 डेज का और 26 डेज पर मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी, जिसकी वजह से तब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके ये बात बताई थी। तो डॉक्टर ने बताया था कि अगर ये ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो आप मेरे पास आना, अगर 1-2 बूंद हो या 1-2 दिन के लिए है तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है तो ठीक है, अगर कुछ पीस वगैरह आया तो मुझे बता देना, तब डॉक्टर के पास, मतलब मेरे पास आना, डॉक्टर ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया था। तो खैर ये हुआ। उसके बाद मुझे फीवर की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा फीवर रहते थे मुझे। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के पहले से ही मुझे हल्का हल्का फीवर था, लेकिन जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो गई थी उसके बाद मेरी फीवर तेज हो गई थी। इवन इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे मेडिसिन खाए बिना मैं रह नहीं पाती थी, इतनी फीवर थी। और इसके बाद मुझे वॉमिटिंग की भी सिम्टम्स थी, काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी मुझे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना वॉमिटिंग कि मैं पानी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी, ऐसी हालत थी मेरी। उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मेरी ट्विंस बेबी है। तो मुझे उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास नॉर्मली गई तो डॉक्टर ने मुझे, मतलब मेरा पीरियड डेट ख़त्म होने के 7 दिन बाद बुलाया था जब मेरा IUI किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि पीरियड डेट ख़त्म होने के बाद चेक कर लेना, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही चेक कर लिया था तो उसमें वो पॉजिटिव आया था। तब मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके बताई तो डॉक्टर ने बोला कि वो एक इंजेक्शन देते हैं IUI के टाइम में, जब आपका एग्स रैप्चर होते हैं ना, रैप्चर होने के लिए इंजेक्शन देते हैं, तो वो इंजेक्शन, वो बोली कि इंजेक्शन दिया है इसलिए हो सकता है पॉजिटिव हो, पीरियड डेट का इंतज़ार कर लो। लेकिन मुझे वो रैप्चर होने का इंजेक्शन पड़ा ही नहीं था। आप मेरा जो फॉलिकल स्टडी का मैंने अपना रिपोर्ट शो किया था आप लोगों को, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया था कि मुझे एग रैप्चर का कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, मेरा एग्स रैप्चर ऑटोमेटिक अपने आप हुए थे और 12 डेज में मेरा ओव्यूलेशन हुआ था और रैप्चर, मेरा जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी वो मेरा 26 डेज में हुआ था। तो डॉक्टर को मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, फिर भी तुम पीरियड डेट ख़त्म हो जाए तो 2 दिन बाद चेक करना, फिर आना। तो मैं वैसे ही कि जब मैं वहाँ पे गई डॉक्टर के पास तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड मेरा किया। अल्ट्रासाउंड में उस समय कुछ शो नहीं हो रहा था, तब उन्होंने बेटा ब्लड टेस्ट जिससे पता चलता है कि आप रियल में प्रेग्नेंट हो या नहीं, उन्होंने वो टेस्ट लिखा था। वो टेस्ट में ये कंफर्म हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन कितने बच्चे सोए हूँ वो उसमें कंफर्म नहीं हुआ था, वो मुझे 8 वीक में पता चला था। तो ये जो अर्ली प्रेगनेंसी का जो पहला सिम्टम्स था मेरा, वो था इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, दूसरा वॉमिटिंग, फीवर, बहुत तेज़ फीवर था, इवन 102 से भी ऊपर फीवर मेरा रहता था, इतना ज़्यादा फीवर रहता था। वॉमिटिंग मेरी रुक नहीं रही थी, मैं दिन भर में कितना वॉमिटिंग करती थी मुझे कोई, मतलब कुछ याद नहीं रखती थी। और
उसके बाद मुझे वाइट डिस्चार्ज की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, और चौथा पांचवा मेरा बैक पेन होता रहता था, बैक पेन भी होता था एंड हेडेक भी बहुत ज़्यादा था। ये तो मेरा आईवीआई प्रोसीजर से जो मैंने प्रेगनेंसी कंसीव किया था उसका था, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी तो बेबी रह नहीं पाए। उसके बाद मैं सेकेंड टाइम बाद नेचुरली कंसीव की थी, एक साल के बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया था सेकेंड टाइम बाद, सॉरी 1.5 साल के बाद मैंने नेचुरली कंसीव किया था सेकेंड टाइम। तो उसमें मेरी प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होती थी, बहुत ज़्यादा। ये भी अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे, मीन्स पीरियड डेट के पहले के सिम्टम्स थे। मुझे हेडेक होती थी, और जब मैं एक्चुअली पहली बार जब कंसीव कर चुकी थी तो एक आपकी बॉडी ना साउंड करने लगती है नेक्स्ट टाइम कि हाँ आप इस मंथ कंसीव हो, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कंसीव हूँ, लेकिन फिर भी चेक कर किया नहीं था मैंने। इवन पीरियड डेट ख़त्म होने के 7 दिन बाद तक मैंने चेक नहीं किया था, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कंसीव्ड हूँ। तो उस समय मुझे पहला तो हेडक था, फीवर भी हल्का हल्का रहता था, मतलब इतना फीवर नहीं रहता था जो फर्स्ट टाइम जब ट्विंस बेबी थे तो जो फीवर थी मेरी, वैसा फीवर नहीं था लेकिन फीवर रहता था। खाने की कुछ भी इच्छा नहीं करती थी, और हर समय ना मेरा मुँह, मतलब कभी मुझे बिना बात के गुस्सा आना, कभी इरिटेशन होना, कभी इरिटेट होती थी, कभी कभी ना सब हंस रहे होते थे और मैं रो रही होती थी, कभी कभी मुझे सबको देख के गुस्सा आता था, और कभी कभी ना मेरे घर में डॉगी थे, वहाँ पे उस समय मैं अपने इन-लॉज हाउस में थी तो वहाँ पे डॉगी थी, तो उनको देख के मुझे बहुत प्यार आता था, और ह्यूमन बीइंग को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता था, किसी का बोलना भी बर्दाश्त नहीं होता था, ऐसी कंडीशन थी उस समय अंदर ही अंदर। हालांकि सब बड़े थे तो कुछ चीज़ें होती थी जो अंदर ही अंदर ना उस समय अपने आप को मतलब दबा के रह जाती थी, क्योंकि ये दिमाग में रहता था कि बड़े हैं, लेकिन मुझे गुस्सा अंदर से बहुत आता था, मैं बहुत एंगर होती थी उस समय, बहुत एंगर होती थी। मेरे हस्बैंड तो उस समय उस टाइम को बहुत झेले हैं, बहुत झेले हैं। खैर सेकेंड टाइम का बेबी भी नहीं रहा, जो भी हुआ 2.5 महीना कंसीव करने के बाद वो भी बेबी, बेबीज के हार्ट बीट बंद हो गए तो वो भी नहीं रहा, तो उनकी बात छोड़े। अब थर्ड टाइम जब मैंने कंसीव किया, ये भी मैंने नेचुरली कंसीव किया था, लड्डू को जो मेरा अभी बेबी है उसको कंसीव किया था, तो इसके टाइम में मुझे कुछ भी सिम्टम्स नहीं हुए, कुछ भी सिम्टम्स नहीं हुए। मुझे इवन पता भी नहीं चला कि मतलब मेरे पूरी प्रेगनेंसी में मुझे पता नहीं चला कि मैं कंसीव्ड हूँ, क्योंकि मुझे ना हेडेक हुआ, ना कभी वॉमिटिंग की इच्छा होती थी, ना मूड स्विंग था, ना मेरी कुछ खाने की, एक्स्ट्रा खाने की इच्छा होती थी, मैं नॉर्मल खाती थी। ऐसा कहते हैं ना प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें, मुँह का स्वाद टेस्ट चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, मेरा इसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरा ऐसा कुछ भी इच्छा नहीं हुआ। हाँ डिलीवरी के एक दिन पहले डॉक्टर ने बोला था कि आप जो भी मन हो खा लेना, तो मुझे बड़े प्यार से उस दिन मैं आइसक्रीम खाई थी, तो वो शायद आप बोल सकते हो कि एक एंडिंग में इसका बर्थ से 2 दिन पहले मुझे इच्छा हुई थी, तो वो थी आइसक्रीम की बस, और मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई इच्छा नहीं हुआ। नो मुझे एक दिन भी लड्डू के टाइम में मुझे कोई वो एक दिन भी वॉमिटिंग नहीं हुई, इवन मुझे वॉमिटिंग की इच्छा भी नहीं हुई, ऐसा था, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ 3rd मंथ जब मेरा कंप्लीट हो गया था तब मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, जो पहले वाली प्रेगनेंसी में भी मेरी कंटिन्यू थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। बिल्कुल पहले से भी बेड रेस्ट के लिए बोला था, लेकिन उस टाइम पूरा बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। तो जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी उसके बाद डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करना कि किस तरीके से डॉक्टर ने लड्डू को सेव किया और लड्डू मेरी लाइफ में आज है, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में, अगर आप जानना चाहते हो तो बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ मुझे अर्ली प्रेगनेंसी में कोई भी सिम्टम्स नहीं हुए थे, कोई भी सिम्टम्स नहीं हुए थे। जब लड्डू को कंसीव किया था कोई सिम्टम्स नहीं हुए थे। इवन लड्डू को कंसीव करने के 20 डेज बाद मैंने चेक किया,
मैं जानती थी कि मैं कंसीव्ड हूँ, मैंने पहले ही बताया कि जब आप एक बार कंसीव कर लेते हो ना तो सेकंड टाइम आपको पता चल जाता है कि हाँ आप कंसीव हो। तो मैं थर्ड टाइम लड्डू के टाइम में मैं जानती थी कि मैं कंसीव्ड हूँ, क्योंकि वो अंदर आपका होता है, आप वो फील कर सकते हो अंदर से। तो मैं जानती थी कंसीव्ड हूँ, लेकिन मैंने इस बार टाइम दिया खुद को, मतलब क्योंकि दो बार ऐसे हो जाती थी बार बार ना, तो मेरे को ऐसा डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोचती हूँ और ये सब गलत हो जाए, कुछ ना हो। लेकिन कंसीव्ड थी मैं, और मैंने 20 डेज के बाद मैंने चेक किया था, उन दिनों मैं गुड़गांव में थी, तो 20 डेज के बाद चेक करके मैं उसी दिन में वहाँ पर गुड़गांव में सेक्टर 5 में डॉक्टर पूर्णिमा कपूर है उनका हॉस्पिटल, के हेल्थ सेंटर, वहाँ पे मैं गई थी। और ट्रस्ट मी, वो डॉक्टर मेरे लाइफ में, मतलब ऐसी पहली डॉक्टर आई थी जिसने मेरी बेबी को सेव किया था, बचाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अपना बेबी को डिलीवर कभी कर पाऊँगी। मेरा बेबी को 3-3.5 महीने तक उन्होंने बचाया, और बाकी के पूरे दिनों में जो गुजरात में जो डॉक्टर ज्योत्सना प्रजापति है, उन्होंने मेरी बेबी जिन्होंने डिलीवर करवाई थी, तो उन्होंने बाकी टाइम उन्होंने टेक केयर किया, उन्होंने बचाया। मतलब ये दोनों डॉक्टर मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। इन दोनों डॉक्टर की वजह से मैं भी हूँ और मेरा बेबी भी है। इन दोनों डॉक्टर ने, बहुत एज वाली डॉक्टर नहीं है, बहुत ये नहीं बोलो कि बहुत एज है, हार्डली 40 के अंदर ही होंगे, और दोनों ही न्यू डॉक्टर है, लेकिन दोनों का हाथ माइंड ब्लोइंग है, और दोनों ने बहुत, मुझे नहीं बहुत लोगों को सेव किया। तो इन दोनों डॉक्टर की वजह से मेरा लड्डू मेरे लाइफ में है, स्टे करता है। तो इन दोनों डॉक्टर को मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी कि बस। तो ये मैंने अपना प्रेगनेंसी सिम्टम्स बताया था, जो मेरी अर्ली प्रेगनेंसी में मैंने अपनी सारी प्रेगनेंसी में जो मैंने सिम्टम्स महसूस किए थे, जो हुए थे मेरे साथ, और लड्डू के टाइम में नहीं हुआ, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स वैसे क्या क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये डिपेंड करता है अलग अलग बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स, हो सकता है किसी को ये सारे सिम्टम्स होते हैं, किसी को ना भी होते हो, और हो सकता है कि आपको पहली प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स ना हुए हो, दूसरी प्रेगनेंसी में हो, या दूसरी प्रेगनेंसी में कुछ ना हो और पहली प्रेगनेंसी में सारे सिम्टम्स हुए हो। तो पहला सिम्टम्स ये है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो होती है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं होती है। जब जैसे कि मेरा लड्डू के टाइम में मुझे बिल्कुल नहीं हुई थी, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई थी। तो ये हुआ एक नंबर। दूसरा हुआ आपके खाने की जो खाने का जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है। तीसरा हेडेक होता है। चौथा कमर में दर्द होता है। पांचवा आपको वॉमिटिंग हो सकती है। ये पहले से भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, वॉमिटिंग के ऊपर मैं एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अगर आपको वॉमिटिंग जो है, आपको अगर वॉमिटिंग पीरियड डेट खत्म होने के बाद 10 दिन तक वॉमिटिंग नहीं आती है, तो ट्रस्ट मी, आपको पूरी प्रेगनेंसी में आपको वॉमिटिंग नहीं आएगी। तब तक नहीं आएगी जब तक आप ओवर खाना ना खा लो, तब तक नहीं आएगी। लेकिन अगर पहले 10 दिन में वॉमिटिंग नहीं आती है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको वॉमिटिंग नहीं आएगी। और अगर पहले से वॉमिटिंग आती है तो हाँ आ सकती है, कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी, लेकिन आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, आपको लोअर एब्डोमिनल में बहुत लोगों को पेन होता है, जो कि मुझे भी होता था मेरी पहले दोनों प्रेगनेंसी में, लेकिन लड्डू के टाइम में कुछ नहीं हुआ। थाइस पेन होते हैं, तो मेरा थाइस पेन नहीं होता था लड्डू के टाइम में, लेकिन मेरा थाइस में सनसनाहट सी होती थी, पेन नहीं होता था, सनसनाहट होती थी। पेन होना कब शुरू हुआ, जब 6-7 मंथ में मेरे पाँव स्वेलिंग करने लगे, तब मुझे पेन होता था स्वेलिंग की वजह से। सिम्टम्स है जो लोगों में होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स में एक में हो, और यह ज़रूरी नहीं है कि किसी में सिम्टम्स ना भी हो। ये सब बॉडी टू बॉडी अलग अलग प्रेगनेंसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ हेल्प मिला हो।
और फाइनली अभी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हो और आपके पीरियड अभी मिस नहीं हुए हैं, तो आप लोग ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, क्योंकि ज़्यादा सोचना भी हमारे हमारे लिए सही नहीं होता है और वो हमें नेगेटिव चीज़ें दिखा सकता है। तो ज़्यादा सोचो मत, पीरियड डेट मिस होने दो, 4 दिन 5 दिन जाने दो, वीक जाने दो, उसके बाद टेस्ट करो, क्योंकि उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा वही असली रिपोर्ट होता है। और मैं तो ये भी बोलूँगी कि किट के रिपोर्ट पे भी आप भरोसा मत करो जब तक कि आपका ब्लड टेस्ट ना हो, तब तक आप किट के रिपोर्ट पे भी भरोसा मत करो। समटाइम किट का रिपोर्ट भी गलत हो सकता है, हर किसी केस में नहीं, लेकिन अगर 100 में से 1 का गलत हुआ तो गलत हुआ ना। तो बस ये यही मैं कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर मत दो, पीरियड डेट निकलने दो आप। इसके साथ ही मैं आप सभी के लिए प्रे करूँगी कि कोई भी औलाद ना रहे, सबको भगवान मतलब जो भी चाहता है वो उनको उनकी झोली में दे। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।